तो स्मार्ट आर्ट्स जो होते हैं वो भी शेप्स की तरह होते हैं, और उनको हम इंसर्ट में जाके यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे ही स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ के स्मार्ट आर्ट आ जाएंगे, जिसमें ऑल है, लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, हायरार्की है, ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। अब यहाँ पे ऑल पे अगर हम क्लिक करें तो ये सारे स्मार्ट आर्ट्स यहाँ पर आ जाते हैं। स्मार्ट आर्ट्स का बेसिकली जो इस्तेमाल है वो ये है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी डेटा को शो करना चाहते हैं ग्राफ के ज़रिए। तो ग्राफ से मतलब यहाँ पे जैसे हमने चार्ट में सीखा था वैसा ग्राफ नहीं, लेकिन जैसे मतलब उसको स्टाइल्स में मुख्तलिफ शेप्स से मिला के कोई नया डिज़ाइन हो, जैसे उसमें वो बात को बेहतर तरीके से इलस्ट्रेट किया जाता हो, किया जा सकता हो। मतलब अगर जो काम हमें शेप से करने में दिक्कत हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई शेप का हम इस आर्ट बनाएं, उस आर्ट में हमें थोड़ी दिक्कत होती है, और वो दिक्कत ये हो रही होती है कि हमारा जो मामला हो रहा होता है उसको बार बार अरेंज रीअरेंज करने में मुश्किल हो रही होती है। जैसे कि अगर आपको मुख्तलिफ ऐसे टेक्स्ट बॉक्सेस बनाने हो तो शेप से आप बनाएंगे तो उसमें आपको टाइम भी ज़्यादा लगेगा, टाइम के अलावा उनको अरेंज करना भी मसला होता है। लेकिन अगर हम इस पर क्लिक करें और इसको ओके कर दें यहाँ से, तो आप देखेंगे कि ये एक कैनवेस के अंदर सारे शेप्स खुद ही बन जाएंगे, और जब ये इसके अंदर बन जाएंगे तो इनको अरेंज करना भी आसान है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से टास्क पेन पे क्लिक किया, और टास्क पेन पर ये सारे हमारे यहाँ पर आ गए इस तरीके से। अब हमारे पास ये जितने बॉक्सेस हैं, ये सारे बॉक्सेस जो हैं हम यहाँ से टास्क पेन से इनको एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह एक्सेस करेंगे, टास्क पेन यहाँ से ऑन भी हो सकता है, टास्क पेन यहाँ से ऑफ भी हो सकता है। तो टास्क पेन ऑन या ऑफ़ करने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शन आता है यहाँ पर क्लिक करके, तो हम यहाँ से इसको बैक स्पेस दबाते हैं। तो जैसे ही बैक स्पेस दबाएंगे तो ये सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्सेस यहाँ से गायब हो जाएंगे। अब इसी तरीके से अगर आपको बॉक्सेस ऐड करने हैं तो यहाँ टास्क पेन पे जैसे जैसे एंटर दबाते जाएंगे तो ये बॉक्सेस दोबारा से इसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे, और दोबारा से अगर बैक स्पेस दबाएंगे तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। मतलब साइज़ के अतबार से और टेक्स्ट के अतबार से भी हम इनको यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। अब इसकी एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मिसाल के तौर पर आपने इस पर चार बॉक्सेज ऐड कराए, ये चार बॉक्सेस ऐड हो गए। अब इन चार बॉक्सेस में आपने कोई भी टेक्स्ट टाइप करना है तो इजीली हमने यहाँ पे लिखा सपोज टू बी एजुकेशन प्रोटेक्शन और इकोनॉमिक और जस्टिस। तो ये देखें हमने चार टेक्स्ट बॉक्सेस को कितनी इजीली इस पे मैनेज कर लिया और इसमें टेक्स्ट भी लिख लिया। वेदर अगर आप खाली इसको शेप से यूज़ करते तो आपको काफ़ी दिक्कत आने वाली थी। अच्छा इतना ही नहीं बल्कि ये इसके साइज़ को भी री एडजस्ट करेगा। लेट सपोज अगर हमने कोई और इसमें ऐड किया सपोज टू बी, और इसमें हमने यहाँ पर लिखा डिफेंस, तो यहाँ पर देखिए वो खुद ही उसने इसको रीअरेंज भी कर लिया और रीसाइज भी कर लिया। अच्छा इसके अलावा इस टास्क पेन को यहाँ से ऑफ कर दें तो यह इस तरह से नज़र आने वाले हैं। और अगर अभी हम इसके ऊपर भी एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कराना चाहें तो यहाँ शुरू में क्लिक करके और यहाँ से जैसे ही एंटर का बटन दबाएंगे तो एक और टेक्स्ट बॉक्स भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर हमने उसको लिख दिया सपोज टू बी कंट्री। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह का मामला आ जाता है, इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पर नीचे ऐड कराना है तो यहाँ पर भी क्लिक करके एक एंटर दबाएंगे और नीचे हम एक और ऐड करा लेते हैं। यहाँ पर ओल्ड लिख लिया हमने मीडिया, और अगर कहीं बीच में ऐड कराना है तो वहाँ पे भी अपना कर्सर रख के क्लिक करके वहाँ से ऐड करा लेते हैं, और इसको अब यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं सपोज टू बी मेडिकल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखें हमने इस तरह से कितने आसानी से मैनेज कर ली। वेयर इस टेक्स्ट बॉक्सेस से इनको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल और दुश्वार होता था। इतना ही नहीं बल्कि अब हम इनको ये भी कर सकते हैं, लेट सपोज़ इन दो को हम जो है इसका पार्ट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे शुरू में रख कर इसको क्लिक करके टैब का बटन दबा सकते हैं, एक टैब और ओके। तो इसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर टैब का बटन दबा लेना है। तो जैसे टैब का बटन दबाएंगे तो
तो जो दो कंपोनेंट्स अलग अलग थे वो इसका पार्ट बन जाएंगे पहले वाले का। इसी तरह अगर हमें यहाँ पर इसको इसका पार्ट बनाना है तो टैब दबाएंगे, और इसको भी इसका पार्ट बनाना है तो टैब दबाएंगे। तो इस तरह से ये मेन कंपोनेंट्स बन जाएंगे और ये दो इसके सब कंपोनेंट्स बन जाएंगे। सिमिलरली अगर वापस से इनको मेन कंपोनेंट बनाना है तो यहाँ शुरू में रख के बैक स्पेस दबाना है, और यहाँ पर भी क्लिक करके बैक स्पेस दबाना है, तो ये भी इसके मेन पार्ट्स में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग कंपोनेंट्स हो जाएंगे। ये तो हमने समझ लिया कुछ इस तरह से इसको टास्क पेन से मैनेज किया जा सकता है। अब दूसरा आते हैं इसको कि इसको यहाँ पे जो इसका ये कैनवस है, कैनवस जिसके अंदर ये पूरे स्टे कर रहे हैं या ड्राइंग बॉक्स के लिए, इसको कैसे मैनेज करना है। इसको मैनेज करने के लिए यहाँ से देखें, इसको इस तरह से आप इसको फर्दर रीसाइज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे रीसाइज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके तमाम कंपोनेंट्स भी रीसाइज़ हो जाएंगे, और इस तरीके से जब आप इसको थोड़ा सा इनलार्ज करेंगे तो तमाम कंपोनेंट्स भी इसके इनलार्ज हो जाएंगे, और इसको डिफरेंट साइज़ में या डिफरेंट डिज़ाइंस में आप इसको रीसाइज़ करके सेट कर सकते हैं। यानी कि आप इसको वन रो में भी रख सकते हैं, वन कॉलम में भी कर सकते हैं, टू रोज़ में भी इसको कर सकते हैं, टू कॉलम्स में भी आप इसको कर सकते हैं, जैसे चाहें आप इसको रीसाइज़ करके दिखा सकते हैं, जो कि शेप्स के अंदर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था, और था भी तो इतना आसान नहीं था। सिमिलरली अगर आपने इसको इस तरीके से अरेंज किया कि ये मुझे ऐसे दिखाना है, और इसके बाद इसको उठा के यहाँ से मूव करना आपको पड़ रहा है, तो यहाँ क्लिक करके टेक्स्ट रैप का ऑप्शन आ रहा है, और इसमें से आप जो भी टेक्स्ट रैपिंग का स्टाइल लेंगे उसके हिसाब से ये मूव भी हो सकेगा, और अदर टेक्स्ट के साथ आप इसको मैनेज भी कर सकेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ रैंडम टेक्स्ट ले लिए, और यहाँ पर ये आपको इस तरीके से दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात ये। अच्छा, ये तो था इसका सिंपल स्टाइल। फर्दर इसको और समझते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं शेप आर्ट डिज़ाइन, जो कि इस पर क्लिक करके एक्टिवेट होगा। इसमें देखिए यहाँ पे कुछ और भी कमांड्स हैं, लेफ़्ट टू राइट, जो राइट वाले कंपोनेंट्स हैं लेफ़्ट साइड पे स्विच हो जाएंगे, और जो लेफ़्ट साइड वाले कंपोनेंट हैं राइट साइड पे स्विच हो जाएंगे, और अगेन। ठीक है, ये क्लियर हो गई बात। उसके बाद अंदर आते हैं, इधर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अगर इस सिर्फ इस कंपोनेंट को स्विच करना है इसके आगे, तो मूव डाउन, मूव डाउन, और स्विच करना है बिफोर तो मूव अप, मूव अप। ठीक है, फिर आते हैं इधर प्रमोट और डीमोट। ये वही काम करेगा जो टास्क पेन में हमने टैब की मदद से किया था। लेट सपोज इस पे क्लिक किया और इसको क्या कर दिया हमने, डीमोट, डीमोट, और वंस अगेन अगर इनको सेपरेट करना है एक दूसरे से तो वहां पे क्लिक करके हमने क्या कर दिया, प्रमोट, प्रमोट। क्लियर। अच्छा, उसके बाद अब आते हैं यहाँ पर एट बुलेट्स और शिट शेप्स। ये वही काम होगा यहाँ पर भी। फॉर एग्जांपल इसके बाद एक और कंपोनेंट ऐड करना है, क्लिक ऐड शेप आफ्टर। सपोज इससे पहले एक कंपोनेंट ऐड करना है, क्लिक ऐड शेप बिफोर। ठीक है, अब टाइप करना है टेक्स्ट, राइट बटन दबा के एडिट टेक्स्ट करके भी कर सकते हैं। सिमिलरली टास्क पेन को एक्टिवेट करके यहाँ से भी टाइप किया जा सकता है। रिमूव करना है दो तरीके, एक क्लिक करेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाएंगे, दूसरा यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे रख कर बैक स्पेस का बटन दबाएंगे। तो दोनों तरीके से इसको रिमूव भी किया जा सकता है। अब ये तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं कलर्स के ऊपर। कलर स्कीम्स हमारे पास जो पहले से बने बनाई स्कीम्स हैं उनमें से आप कोई भी कलर्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और कलर अप्लाई करने के बाद डिफरेंट कलर स्कीम्स को लगा सकते हैं। अगर कलर स्कीम्स के बाद उसके स्टाइल्स और मज़ीद दिखाना चाहें, आप उसको इस तरह से या 3D स्टाइल्स में दिखाना चाहें या इस तरह से दिखाना चाहें, तो ये भी आप यहाँ से पॉसिबल बना सकते हैं, जो कि शेप्स में इतना ईजी नहीं था। ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्टाइल में दिखाई दे रहा है। क्लिक करके इसकी एक डुप्लीकेट भी कर सकते हैं कंट्रोल डी की मदद से,
और इसको दोबारा से इससे अलग करके हम एक अलग जगह पे भी दिखा सकते हैं। फर्दर मोर क्या अगर इसको दोबारा सीधा करना है तो ये सिंपल स्टाइल इस पर लगाएंगे तो ये दोबारा से सीधा हो जाएगा। उसके बाद रीसेट ग्राफिक्स पे क्लिक करके जैसा कि ये था एज इट वाज तो उसको दोबारा से भी रीसेट किया जा सकता है। अब आते हैं कि अगले इसके ऊपर के भाई मिसाल के तौर पे कलर्स अपनी मुताबिक लगाने हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एक कंपोनेंट सेलेक्ट हो जाएगा, क्लिक करेंगे फॉर्मेट पर, क्लिक करेंगे शेप्स पर और फिर जैसे शेप्स को आप डील करते हैं वैसे जो कलर लगाना चाहते हैं लगा दें और टेक्स्ट पे जो कलर देना चाहते हैं अप्लाई कर दें। तो ये उस तरह से ही आपको नज़र आएगा, ठीक है। फॉन्ट चेंज करना है, अच्छा फॉन्ट एक एक का चेंज करना है तो होम में जाके यहाँ से कर लीजिए, और अगर सबका एक साथ करना है तो डिज़ाइन में जाके यहाँ से फॉन्ट की स्कीम को जो मौजूदा फॉन्ट हैं उसमें से कोई ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई। तो इस तरह से आप इसको एक एक कंपोनेंट का कलर फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं और अलग अलग करके भी कर सकते हैं। फाइनली जो स्टाइल आपने स्मार्ट आर्ट में से लिया था अब उसको दूसरे स्टाइल में इंटरचेंज करना है या ट्रांसफॉर्म करना है तो यहाँ पर आएंगे। अभी ये स्टाइल है हमारे पास, इसी का एक दूसरा वर्जन ले लेते हैं ये वाला। इस स्टाइल में भी बॉक्सेस हैं लेकिन आपको बॉक्सेस के साथ साथ इमेजेस लगाने का भी मौका मिल सकता है। कैसे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्राउज करेंगे कंप्यूटर में से, और आपके कंप्यूटर में जहाँ पर भी इमेजेस हैं वहाँ से आप चूज करेंगे। सही है, और इस तरह से एक एक बॉक्स में अलग अलग इमेज लगा सकते हैं। लाइक स्टूडेंट का लिस्ट बनाना है कार्ड के साथ, या सिलेबस के बारे में बनाना है, या कोई आप फूड चार्ट बना रहे हैं, फ्रूट चार्ट बना रहे हैं, या डिफरेंट आइटम्स को शो करना चाहते हैं तो इसी स्टाइल में नीचे टेक्स्ट भी आ जाएगा और उसकी इमेज भी आ जाएगी और उसको बड़े खूबसूरती के साथ अपने डॉक्यूमेंट में एडजस्ट कर सकते हैं आप। सही है, समझ में आ रही है बात ये, और उसमें कोई भी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वंस अगेन अगर आप रीसेट होके पुराने स्टाइल पर ट्रांसफॉर्म होना चाह रहे हैं दोबारा से पुराना स्टाइल भी इस पर अप्लाई हो सकता है। तो ये था स्मार्ट आर्ट, यानी कि शेप्स को मैनेज करने का एक स्मार्ट वे, एडवांस वे, ईजीएस्ट वे, जिसमें आप शेप्स को कलेक्शन में अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है,